झांसी में कुछ मिनट रुकने के बाद फिर रवाना हुआ अतीक का काफिला बरेली जेल से अशरफ को लेकर भी निकली प्रयागराज पुलिस। अतीक अहमद के काफिले ने राजस्थान से शिवपुरी जिले की सीमा में सुबह लगभग 6:30 बजे प्रवेश किया। केंद्रीय थाना के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे पर मोड़ के पास सुबह 7:09 पर काफिले में शामिल सभी वाहन रुके और यहां लघुशंका करने अतीक अहमद भी उतरा। इसी दौरान मौजूद प्रेस को बोला कि अब काहे का डर। उमेश पाल अपहरण कांड के आरोपी अतीक को 28 मार्च को MP MLA कोर्ट में पेश किया जाना है। बरेली जिला जेल में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रयागराज ले जाने को लेकर जिला जेल में अलर्ट है। सुबह से ही जिला जेल रोड पर फोर्स तैनात है। जिला जेल के मुख्य द्वार पर बिथरी चैनपुर थाने के पुलिस व जेल के पुलिसकर्मी डेरे डाले हुए हैं। आपको बता दें कि अशरफ जुलाई 2020 से जिला जेल में बंद है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद अशरफ समेत अन्य पर लिखी गई अपहरण मामले में 28 मार्च यानी मंगलवार को प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस की टीम बरेली पहुंच चुकी है। जेल पर पुलिस फोर्स के साथ PAC भी तैनात है। अतीक को प्रयागराज लाए जाने को लेकर पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। एजेंसी से जुड़े अधिकारी अपने अपने स्तर पर इनपुट जुटा रहे हैं। इसके साथ ही अतीक के करीबियों और सहयोगियों की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाए जाने के दौरान गाड़ी पलटने की आशंका पर पुलिस महानिदेशक DM चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की फ्लीट आधुनिक फ्लीट है और हमारी गाड़ियां नहीं पलटती हैं, पलटते हैं तो सिर्फ अपराधी। राजूपाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की 24 फरवरी को हत्या में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता समेत अन्य को नामजद किया गया है। जांच में भी साबित हुआ है कि अतीक जेल से इंटरनेट कॉल के जरिए इस साजिश में शामिल रहा।